कितने बोर्ड ओके चलो प्रॉब्लम नंबर वन ओके व्हाट विल डू हाँ डायरेक्टली वेलोसिटी आर गिवन है ना ओके एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू आंसर इज कमिंग सी फाइव आई चार प्लस ट्वेंटी फाइव आई सेवन जे आंसर इज सी नो इन टू टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन एम वन प्लस सेकेंड सेकेंड क्या है बेटा छोटा है और बड़ा है ना हाँ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम So, center of mass depends on the distribution of mass. Yes. So, it will go near where the mass is more. Yes. So, it will be near to the bigger mass. So, option B will be. Number 3. Three kya hai? Haan. Two spherical bodies of mass m and phi m and radii. Ye dekhiye lo iska solution. आपने किया होगा सॉल्व लेकिन फिर से लिखा था ये डिस्टेंस कितना है बेटा ये आर है ये टू आर है ये कितना है ट्वेल्व आर है ना ये कितना दिया है एम और ये कितना दिया है बेटा फाइव एम तो ये बीच वाला कितना बन जाएगा टू प्लस वन थ्री सो ट्वेल्व माइनस नाइन ओके नाउ दे आर ट्रेंडिंग हेलो 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 तो बेटा दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद द ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ देर यू राइट इफ विल कंसीडर दिस टू मासेस एज अ सिस्टम देन फॉर दैट सिस्टम द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट बी एक्सटर्नल फोर्स ऑन वन बाय टू ऑन टू बाय वन सो इट विल बी इंटरनल And you are knowing that there is a property of center of mass. If external force is not acting on the body, position of mass with respect to the body is not change. Okay. So in that case, कभी भी ऐसा आए ना तो आप एक ही formula ध्यान में रखो. M1 R1 is equal to M2 R2. That's all. So what will be the formula? M1 R1 is equal to M2 R1. बस. Okay. M1 का mass कितना है? M. आर वन कितना ले लोगे मालूम नहीं है उसको एक्स पकड़ो हाँ ये कितना है फाइव है आर टू कितना आएगा ये नाइन है नाइन माइनस एक्स अरे सॉरी इसको अगर आपने सॉल्व किया एम एम तो कैंसिल हो जाएगा एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा एक्स इज आई थिंक कमिंग आउट टू बी एक्स मीन्स दैट आंसर इज कमिंग सेवन पॉइंट फाइव आर ओके नहीं तो एक दूसरा आइडिया क्या है m1 upon m2 is equal to r2 upon r1 हाँ सो r2 upon r1 will be m upon 5 f i सो 1 by 5 सो 0.2 सो r2 will be 0.2 r1 सो add that 0.2x and x that will be 9 सो 1 will come 1.5 and another will come 7.5 ओके देन 4 1 you see फोर्थ वन दे आर आस्किंग ना सो इसका इसका आंसर यह है डी फोर्थ वन में बॉडी दिया है ओके ओके वेलोसिटी दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली पुट द वैल्यू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू वेलोसिटी तो वो करके आता है 2.4 मीटर पर सेकंड तो अपने ऑप्शन में नहीं है इसलिए अपना ऑप्शन आएगा डी नन ऑफ दिस गो फॉर फिफ्थ वन में क्या करना है बेटा हाँ सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया तो ये सी ले लो और ये ऑक्सीजन ले लो ये बनेगा सी ये बनेगा ओ सी को क्या बोलो ओरिजिन को बोलो इसको पॉइंट कितना आएगा जीरो जीरो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दिया है 1.1 हेंस्टोमी तो इसका बॉडी कितना बनेगा 1.10 अरे सॉरी कार्बन का मास कितना बोल रहे 12 ऑक्सीजन के लिए 16 तो कैलकुलेट किया तो ये आता है 0.63 आंसर विल बी 0.63 एंगस्ट्रॉम मीटर
means we are option number C. अभी जाते हैं सिक्स के, सिक्स में क्या है? हाँ सिक्स में थोड़ा आपको करना, हाँ इधर इस साइड में। तो जब कभी आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हो, है ना, अभी तक आपने क्या किया है, MGH, करेक्ट? अरे सर, तो MGH जो लेते हैं वो M लेते हैं, दैट यू हैव टू टेक द मास ऑफ द सेंटर मीन मास ऑफ द बॉडी एंड H विल बी द पोजिशन ऑफ द सेंटर। Understood? In your 9th class you have done MGH, but that directly we will not use. तो अगर rod ऐसे किया है और angle लिया है vertical से, कितना लिया है 60, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा L, बराबर? तो center of mass मेरे कहाँ पे आएगा? L by 2 पे आएगा। अरे sir, मेरा center of mass कहाँ पे आएगा? L by 2 पे। अभी कुछ नहीं है, तो ऐसे पकड़ो कि मेरा ये body है, ये एच इतने हाइट पे है, बॉडी का मास कितना है m, तो अगर मैंने लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा मेरा m g h। तो ये ट्रायंगल में से h निकालो, हाँ ये कितना आएगा l by 2 है, yes or no, आएगा 30, तो ये कितना बचेगा, h will be l by 2 sin 30, sin 30 कितना आता है 1 by 2, तो l by 4 आएगा। So it will be answer will be MGL upon 4. So answer your option number D. आ गया? अरे सर, अभी जाते हैं, ये कह रहे कौन सा था? नंबर इसका 6. अभी 7 में जाते हैं, 7 में क्या किया? सेवन में दिया है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, इट मे बी इनसाइड, इट मे बी आउटसाइड, सो इट मे लाई विद इन ऑल आउटसाइड, सो सेवन विल बी द बी, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस, डायरेक्टली यू कैन राइट। नाउ दिस एट का है ना, एट के लिए क्या किया है, इसके लिए एक इंक यूज किया है, उसका मास निकालो, उसको एक मास दो, ये दूसरे वाले के लिए एक इंक यूज किया, उसका एक मास दिया है ना, इसके लिए इंक यूज किया है, ऐसा और ऐसा। सेंटर कहाँ पे आएगा? ये। तो ये सेंटर पकड़ के सबका कोऑर्डिनेट वगैरह डालो, वो दिया है हमें 0 0 0 8, सो m1 x1 + m2 x2, ये करोगे m1 y1 + m2 y2 / m1 whatever it is there, so doing that you will get the result, y will be 0 ना, and x will be a/10 coming ना, I think it is there in B.M. Sharma many books है ना, so I hope you have solved it. 9th one क्या था? हाँ, 4 particles. Okay. Now they are kept, where they are kept? On the vertices of parallelogram, ना? ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। Angle कितना दिया है? 60 दिया है ना? तो ये आएगा 60. तो अगर ये A है, तो ये कितना होएगा? A cos 60, मतलब ये A by 2 हो जाएगा, अरे सर, और ये साइड दिया है उसका, A दिया है ना, हाँ, तो ये A है, ये A by 2, मतलब ये भी A by 2 बनेगा, तो इसको अगर मैं निकालूँ, तो ये कितना बन जाएगा? ये भी A by 2 बनेगा, अरे सर, नो, तो ये पार्टिकल यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना आएगा? हाँ, A 0, यहाँ पे कितना आएगा? ये a plus a by 2 मतलब 3a/2 ना, और 0 नहीं आएगा, ये कितना है? हाँ a sin a 60 है ना, ये हाँ sin 60 है ना, sin 60 मतलब ये √3a/2 है ना, √3a/2, और ये कितना आएगा? ये a/2, √3a/2 है, ये सॉरी कोऑर्डिनेट मिल गया, कैन यू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, m1 x1 + m2 x2 m3 x3 m4 x4 / m1 + m2 दैट ऑल यू विल गेट, आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो 10th, अभी 10th में दिया आपको थ्री आइडेंटिकल मेटल बॉल्स, ईच ऑफ वेयर इज आर आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर, सेट
that equilateral triangle. So it will come at centroid. So option your D is correct. Yes. So 11 will be 12. 11 and 10. So 10. 11. आएगा आपका. हाँ, अभी ये तो थोड़ा आपका रोटेशन एंड मोशन पे आता है, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने सिखाया है रोटेशन मोशन. तो ये ऐसे जाएगा, तो ये एयर बनेगा, ये कितने हाइट पे जाएगा, एच हाइट पे जाएगा, बराबर. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, एल बाई टू पे आएगा, आर एस और लो. तो ये एल बाई टू. अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. हाँ, तो ये थीटा है, थीटा कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, अरे सॉरी, तो वो एच हाइट पे जाए, बराबर. तो वो जाने के लिए बेटा उसको एनर्जी लगेगा, यहां से यहां उठ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से ऊपर जाए, कितना डिस्टेंस जा रहा है, एच जाए, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, एम जी एच, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अरे सॉरी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की सामने दे दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, रॉड को कहां पे रखा है, इस पे, तो कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय 3, हटो बेटा. सो इट विल बी हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर, एन एम को काटा बेटा, एच कितना आएगा, जी नीचे जाएगा, ये आएगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 टू द 6 जी. सो योर ऑप्शन इज डी, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब जाते हैं 12 के लिए, 12 में क्या क्या बेटा देखो, हाँ 12 में, 12 में क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडी डिवाइड, अरे ये m1r1 इज इक्वल टू m2r2, सो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, तो r क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास, तो आपका ऑप्शन आएगा सी. 13 के लिए क्या है, 13 देखो जरा, हाँ 13 में कैसे करो, एक आपको फिगर निकाल दे, पहले वाला मास यहाँ पे ले लो, तो कितने डिस्टेंस पे रखो इसको, x1, दूसरे वाला यहाँ पे ले लो, x2 पे रखो इसको, अरे ये सॉरी, अभी इसको मैंने, हाँ तो इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे आया बराबर, तो उसका कोऑर्डिनेट बना सकते हो कितना, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, और मास सेम दिया होगा, नहीं मास डिफरेंट है, उसका कोऑर्डिनेट बन सकते हैं. नाउ सपोज आई हैव शिफ्टेड दिस बाय डिस्टेंस d, बराबर, एंड आई हैव शिफ्टेड दिस बाय सम डिस्टेंस d डैश, ये मान लिया, ये दिया, गेटिंग माय पॉइंट. तो शिफ्ट इन द कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, पहले वाला कोऑर्डिनेट कितना था x1, तो ये कितना बन जाएगा x1 + d, और दूसरा कितना बन जाएगा x2 + d dash, ओके, एंड दैट वन यू हैव टू पुट m1 इनटू ब्रैकेट x1 + d + m2 इनटू ब्रैकेट x2 + d dash / m1 + m2, वो इक्वेट करो पहले वाले से, ये d d के फॉर्मेट में है मिला आपको, एंड फाइंड d dash इन द फॉर्म ऑफ m1 एंड m2 एंड d. सो योर ऑप्शन इज कमिंग b, m1 / m2 इनटू d, ऑप्शन विल बी बी फॉर 13. 14 मैंने सिखाया है परसों ही लिया था, करें अभी नहीं सिखाऊंगा मैं, हाँ 14 अपने बुक में है, a plus bx का लिया था ना, कल ही लिया था परसों भी, तो a plus bx नहीं है यहाँ पे, इतना है 2 plus x, तो इंटीग्रेशन करो और आंसर आएगा आपका 14 का, 14 के लिए आंसर आएगा b, 12/7. ओके 15 में मैंने बताया था बराबर, खाली उसमें चेंज क्या किया है, ये दिया है 2l का दिया बराबर, अगर ये l का है तो इसका मास को बढ़ेंगे m, और ये 2l का है तो इसका मास कितना बढ़ेगा 2m बराबर. तो पहले इसका पोजीशन निकाल दे, ये कहां पे आएगा, l पे आएगा, ये 0 पे आएगा, तो ये 0 0, ये कितना बन जाएगा l 0 - l. ओके नाउ ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते समय इसका मास ले लो 2m और इसका ले लो m, तो आंसर दे हैव गिवन 4/3 है. आप चेक करो कुछ तो गड़बड़ है आंसर, कि a आ रहा है लेकिन सब स्टूडेंट्स आर टेलिंग आंसर इज कमिंग c, हां 2l / 3, हां फ्रॉम c
here as well. Then you put it 12. Okay? You check that. Understood? Samadhan? Shall I go ahead? Shall I have this? Sure. सिक्सटीन में क्या चाहिए बेटा? हाँ, अरे ब्रेकिंग होता है ना बॉडी का, सो दैट इज द इंटरनल फोर्स. अभी मैंने बोला है इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इंटरनल फोर्स यहाँ पे मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट देयर पोजीशन विल नॉट चेंज. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी देयर, डज नॉट चेंज, करने का जरूरत नहीं. सेवनटीन का भी जरूरत नहीं है. पी के लिए जीरो जीरो लिख लो, क्यू के लिए PQ ले लो, PQ 0 और R के लिए PR 0. कोऑर्डिनेट बन गया M1 X1 प्लस M2 X2. अगर ये किया तो आपका ऑफ कोर्स आएगा PQ प्लस PR अपॉन 3. सो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, PQ प्लस PR अपॉन 3. चलो 18 को देखो बेटा. आपने अगर NNM में या नहीं तो आपके यहाँ पे फोर्स वगैरह में लिखा है तो नॉर्मल रिएक्शन आता है. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो ये आएगा ऐसा R1 अरे सॉरी R2. अभी मैंने आपको बताया अभी इस बॉडी पे सब जगह एंटी एंजिंग जो लगेगा ना तो हम सब जगह का नहीं ले सकते. इसका सेंटर ऑफ मास की करो बीचों बीच तो ये आएगा नीचे, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. यस सर. तो ये बॉडी ऐसे है ना, ऐसे नीचे जाएगा. सो बॉडी विल मूव लाइक दिस. ऑप्शन नंबर A is the correct option. है ना? अभी 19 निकालें. 19 में क्या दे बेटा? हाँ, यहाँ पे क्या करो? आपको कोऑर्डिनेट दिया है, 1, 2, 3 दिया है. तो पहले 3 बोलेगा. तो आपको फॉर्मूला कैसे आएगा? M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 plus M4 X4. तो बाकी को तो ओरिजिन किया है. अरे सर, तो उसका 0 बोलो. तो आपका आएगा X पकड़ो, Y पकड़ो, Z पकड़ो. मैं X से भी दिखाता हूँ. x के लिए इधर 1, 2, 3 दिया है, मतलब x के लिए 1 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus इसका मास कितना है? चौथे वाले का 4. और i cap कितना है? अल्फा i cap ना, मतलब अल्फा ही आएगा. अरे सर, अपॉन 1 plus 2 plus 3 plus 4, ये कितना आएगा? 4 अल्फा अपॉन 10, मतलब 2 अल्फा by 5. तो अल्फा कितना है? अल्फा will be 5/2. मिल गया? 20 करते हैं. 20 में क्या है? ये डायरेक्ट है, 20 को करने का जरूरत नहीं है. M1 R1 plus M2 R2 upon M1 plus M2. आपका आंसर आएगा B, C नहीं आ रहा, B आ रहा. 21 also M1 X1 plus M2 X2 upon M1 plus M2. 5 is correct. Very nice. It's coming 5. 22 को हाँ, अभी 22 देना है. Very interesting. एकदम सिंपल. ज़्यादा कुछ में दिक्कत वाली बात नहीं. मैं वो प्लैंक पे खड़ा है ना, और प्लैंक पे खड़ा है ना, ट्रॉली हो, ट्रॉली प्लैंक 23. ये ट्रॉली है बेटा, यहाँ पे ट्रॉली के ऊपर मैन खड़ा है और वो क्या कर रहा है? मैन का वेट है 80 kg, ट्रॉली है 320 kg. तो पहले एक बात बता देता, मैन जितना डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे, जैसे मैन डिस्प्लेस करेगा तो ट्रॉली कहाँ पे डिस्प्लेस करेगा? यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, ये इधर ट्रॉली इधर, तो एक्स एम माइनस एक्स ट्रॉली. समझ गए? ओके. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं M1 R1 is equal to M2 R2 because there is no external force acting. तो mass, man का mass कितना है? 80. तो 80 into उसका displacement कितना है? X है. अरे sorry. Is equal to 320 into XT. अभी man क्या दिया है? Man is moving 1 meter per second. तो velocity दिया है 1 meter per second. तो in 4 second ये कितना displace करेगा? XM कितना हो जाएगा? 4 into 1 मतलब 4 मीटर. तो यहाँ पे 4 निकालो, तो 80 into 4 is equal to 320 into XT, ये भी 320, ये भी 320, तो XT कितना बन गया? 1 मीटर. लेकिन
लेकिन आपको ऐसा करके आपका आंसर 3 आएगा। हाँ, ये आप गलत कर सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी दिया है ना, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट यू कैलकुलेट वेलोसिटी। हाँ, तो यही सेम किया है वैसे ही करने का, ये नहीं करना, ये दिखाने के लिए आपको दिखाया क्या बोलते हैं वेलोसिटी दिया है, ये कब करोगे, ये अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो ये। अभी वेलोसिटी अगर दिया है तो करने का यही है, थोड़ा तरीका चेंज होगा। क्या करने का, मैन वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ, सो कैसे लिखेंगे, ये मैन इज इक्वल टू ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बराबर। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इससे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली निकालो और 4 सेकंड में ट्रॉली कितना डिस्प्लेस करेगा वो निकालो, मैन का डिस्प्लेसमेंट निकालो वो कितना रहेगा 4 मीटर, तो ये यूज करो। अभी ट्रॉली कितना आएगा, 18 इनटू वेलोसिटी 1 विल बी 320 इनटू v, तो इसका कितना मान है ना, हां v कितना आ रहा है, 80 बाय सो 1/4 आ रहा है, लेट मी चेक। नहीं नहीं, मैन के लिए उसका मास है, उसका वेलोसिटी v, तो कितना आ गया 82 a पर परफेक्ट 80 मिल जाएगा। और लेकिन ट्रॉली के लिए बाहर वाला देख रहा है ना, और तो मैन प्लस ट्रॉली, मैन 80 ट्रॉली 320, हाँ 80 प्लस 320 और जो कुछ वेलोसिटी होएगा वो सिस्टम का, दैट विल बी स्पीड। सो ये कितना आएगा 400 v। अभी इसको इक्वेट करो, ये बन गया इनिशियल मोमेंटम, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये 400 v विल बी इक्वल टू 80, तो v कितना आ जाएगा 80/400, सो 1/5 मतलब पॉइंट। अभी देखो 0.2 मीटर पर सेकंड है ना, तो 1 मीटर 1 सेकंड के लिए 0.2 मीटर, तो 4 के लिए कितना 0.8 मीटर, तो ये xt दो, ये xt और ये xm, और अभी अपना फॉर्मूला xm कितना है 4 माइनस 0.8 ये हो जाएगा 3.2। ओके सो बाद में, हाँ बाद में जो है ना, ये जो ग्रेविटी फ्री सरफेस पे जा रहा है तो एकदम सिंपल है, ये हो गया आपका ठीक है। आई नो दैट यू आर टायर्ड नाउ, राइटिंग एग्जाम और ओके ठीक, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वी हैव टू डू दैट। देखो एक आदमी है यहाँ पे 10 मीटर पे खड़ा है, लेकिन कैसे खड़ा है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, और उसने एक मास नीचे फेंका है, मास का मास कितना है 0.5 kg, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे है। ओके अभी जब हम ग्रेविटी और ग्राउंड पर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वेट इज इक्वल टू, वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, सो आई बी प्रेसिंग द ग्राउंड एंड सो आई विल गेट अ नॉर्मल रिएक्शन, सो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन दे आर नॉट इक्वल टू पोजिशन, एक्शन रिएक्शन तो पूरा है, बट एक्शन क्या कर दो, एक्शन इज द फोर्स विद व्हिच आई एम प्रेसिंग द ग्राउंड एंड रिएक्शन इज द नॉर्मल रिएक्शन, सो वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन दे आर नॉट इक्वल, बट यहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं, अरे सॉरी, सो उस टाइम अगर मैन अपना मास कम करेगा उसे ऐसे फेंकेगा, अभी कैसे फेंक सकते हैं आप, अभी सपोर्ट है नीचे, अरे गेटिंग माय पॉइंट, जब फेंकते हैं तब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन मिलता है ना, कहाँ से मिलता है, सो इन दिस केस व्हेन द मैन विल थ्रो द मास डाउन, सो इफ दैट मास इज नाउ मैन एंड मास कॉमन सिस्टम, सो दिस इज गोइंग विद वेलोसिटी सपोज v, मास कितना उसका स्मॉल है, तो मैन भी उसके कुछ v डैश वेलोसिटी से ऊपर जाए, ये आपको ध्यान देना है इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो मैन ऑफ मास m विल गो अप विद वेलोसिटी v डैश, अभी रेगुलर mv इन v, सो ये mv विल बी इक्वल टू m v डैश, मैन का मास कितना है, हाँ 15, तो इसका 0.5 ना, 0.5 टू 2 विल बी 50 इनटू v डैश, ये 0.5 टू 2 1 आएगा, ओके 1/50 विल बी v
वी डैश, तो वी डैश कितना आएगा बेटा 0.02 है ना, 0.02 मीटर पर सेकंड। ओके अभी वो नहीं है, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा 0.5 केजी के मास को 10 मीटर नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है, कर सकते हो कितना है, h इज इक्वल टू ut प्लस आप एटी स्क्वायर है ना, तो t आएगा आपको कितना मिलेगा, कितना आएगा मैंने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 10/2 मतलब 5 सेकंड, तो t इस केस में आ रहा है 5 सेकंड, ठीक है तो 5 सेकंड में कितना जाएगा ऊपर 2 5 10 0.1, ये पहले वाला 10 प्लस 0.1 मतलब आंसर आएगा 10.1। अरे यस अंडरस्टूड और नो, ओके नाउ व्हाट इज द लास्ट वन, ना नहीं दिस इज ऑफ 23, 24 क्या है बेटा, अरे कुछ नहीं, हाँ x एंड 16 - 6 ओके, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r1, तो r1 अपॉन r2 लिख दिए, m2 अपॉन m, m2 कितना है 2.5, m1 1.5, यहाँ पे क्या आएगा लिख के देता हूँ, हो गया ना टाइम, और टाइम है बहुत कम, सो 24 m1 r1 is equal to m2 r, m1 कितना 1.5, इसमें डायरेक्ट r1 upon r2 will be m2 upon m1, m2 कितना है 2.5 upon 1.5, so 3 and 6 5 by 3 आ गया, r1 के लिए तो x, r2 कितना बचा होगा 16 minus x will be 5/3, so 3x will be 5/3 8 8 is equal to 80 x 5 plus 3 8 8 is equal to 80 x आएगा 1 और 8 8 8 आएगा 10 और 6 तो आपको कौन सा पूछा है 10 हाँ 25 का क्या 25 का डायरेक्ट करो कैसे हाँ 25 के लिए आपका ऑप्शन आएगा 40 हाँ वो कैसे आएगा 300 into 0 दिया है 4 500 into 40 plus 400 plus 4 आंसर भी कम अप भी 4, सो थैंक्स अ लॉट, हियर इज द एंड ऑफ द डिस्कशन फॉर द टुडेस पेपर, हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व ऑल, तो ग्रेविटी से आ रहा है वर्क इक्वेशन, कीप इन माइंड इफ यू आर रियली गेटिंग करेक्ट आंसर ना एंड रियली नन ऑफ दिस ऑप्शन इज देयर एंड इफ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट दैट माय आंसर इज करेक्ट ओनली एंड नन ऑफ दिस ऑप्शन इज देयर यू मे राइट, ओके तू गागो केलं की चुकलं तर माइनस, ठीक आहे गुड इट, थँक यू बाय बाय। डोंट लीव युअर क्लास, मी तिकडे जाऊन त्यांना सांगू टिल 5:45 ना, अरे 5:30 आहे 5:45